now comes the last portion in the prelims which is current affairs again the weightage is 30 to 32 questions iska weightage ab badhta ja raha hai और current affairs अगर देखा जाए तो UPSC में जितना analytical type से पूछता है इसमें काफ़ी factual पूछता है बट अगर आप इस बार का यूपी का भी यूपीएससी का भी पेपर देखेंगे तो थोड़ा फैक्ट्स की तरफ वो भी जा रहे हैं कि गरबा किस ईयर पे इंटेंजिबल कल्चर में हुआ या फिर एक्सरसाइजेस पूछ रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है तो अगर आप फैक्ट्स याद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है मतलब यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन अलग, अलग अलग अब नहीं चलती है हर लेवल पे ये आपको समझ में आएगा तो आप अगर करंट अफेयर्स में भी लेकिन देखिए आप कहेंगे कि इतना सारा करंट अफेयर्स है क्या क्या करना है वन ईयर करंट अफेयर्स विथ मोर फोकस ऑन दी लास्ट सिक्स टू सेवन मंथ्स ठीक है आपको लास्ट सिक्स सेवन मंथ्स का करेंट काफी अच्छे से करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहां से ज्यादा आते हैं बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें मतलब अराउंड नाइंटी एट परसेंट तक एक्यूरेसी ले आए तो वन ईयर का करेंट अफेयर्स कर लीजिए दैट इज मोर देन सफिशियंट जब करेंट की भी बात होती है तो करेंट में भी कुछ सेक्शंस हैं जिसमें आप देखेंगे कि यूपी के बड़े फेवरेट सेक्शंस हैं और धर से क्वेश्चंस आते हैं हम डिस्कस करेंगे उन सेक्शंस को लाइक रिपोर्ट्स एंड एंडाइसिस आप देखिए एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन या तो रिपोर्ट जैसे पिछली बार पूछ लिया था एस या फिर किसी की रैंकिंग इन में से क्वेश्चन होगा और उसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा इंडिया की रैंकिंग पूछ लेगा ठीक है एक ये हो गया। दूसरा हो गया गया दूसरा डे थीम्स कोई भी एक दे, दे, दे देगा कि जैसे 19 नवंबर क्या है या फिर सेकेंड फेब क्या था वेटलैंड डे था ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेटलैंड डे की थीम क्या थी तो हम लिख देंगे कि वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे 365 डेज याद कर लें क्योंकि इंडिया में तो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है नहीं आप थोड़ा एक एनालाइज करिए और सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ठीक वा, है वाइल्ड लाइफ डे है फॉरेस्ट डे है है ना मार्टर्स डे है इस तरीके के आप कुछ डेज देखिए सिर्फ वही याद करिए एंड उनकी थीम याद करिए दैट्स इट तो ये क्वेश्चन भी आप एड्रेस कर लेंगे लास्ट कुछ ईयर से देयर इज इज आर क्वेश्चन ऑन बुक्स एंड ऑर्स आप बुक्स एंड ऑर्डर्स देखें तो आप ये भी कहेंगे कि इसको कहाँ से बिकॉज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी करंट अफेयर्स की बुक में बहुत कम जगह बुक्स एंड ऑर्डर्स आपको मिलता है मैं इसके लिए क्या करती थी आई यूस टू हैव दैट एक वीडियोज़ होते हैं बहुत सारे जो स्पेशली जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं या एस एस सी के करा रहे होते हैं वहाँ ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं तो जब भी वाइल यू आर हैविंग लंच या फिर कभी वॉक करें या कुछ या ऐसे सुनने का मन है कुछ तो आप जस्ट हेंट्री लगाइए अपनी एंड सुन लीजिए बुक्स के नाम इनके आपको नोट्स नहीं बनाना है ये वो चीजें हैं जिनको आपको ऐसे पासिंग क्लाउड की तरह से सुनते हुए चले जाना है क्योंकि आपको हर बुक रटनी नहीं है आपको बस थोड़ा सा एक क्लिक होना चाहिए कि ये बुक किस बारे में बस उतने से आप क्वेश्चन आप को अप्रोच कर लेते हैं कि, कि किसके बारे में ठीक है जैसे अभी इस बार मैं कुछ देख रही थी एक दिन बुक तो सम बुक रिटर्न ऑन बुद्धा है और वो कुछ विवेक अग्निहोत्री करके लिखे हैं तो मैंने उसको ऐसे याद कर लिया कि ठीक है बुद्धा जो है वो बुद्धि विवेक की बात करते थे तो इसकी बुक जो है वो विवेक ने लिखी है तो आप ही बस बुक्स को इस तरीके से सुनिए और सुनते टाइम पे जस्ट एक दो ऐसे कि अपने किसी फ्रेंड के नाम से किसी रिश्तेदार के नाम से जिस तरीके से आपको याद हो रही है बस उस तरीके से उनको एक लिखिए और उसका नोट्स मत बनाइए बस माइंड में उस चीज़ को प्रिपेयर करिए ठीक है देन आपको क्वेश्चन देखेंगे स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स यहां से भी क्वेश्चंस दिखते हैं जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो स्पोर्ट्स में हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे ओलंपिक से क्वेश्चंस हो सकते हैं पैरा ओलंपिक से क्वेश्चंस हो सकते हैं एशियन गेम्स से हो सकते हैं अभी ओलंपिक्स हो चुका है तो ऑब्वियसली ये काफी हॉट टॉपिक हो जाता है तो आपको जब ओलंपिक्स तैयार कर रहे हैं तो ओलंपिक की थीम ठीक है ओलंपिक की थीम के अलावा कब हुआ था किस से किस डेट तक चला है कौन से न्यू गेम्स हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया के कितने मेडल रहे हैं और किस रैंकिंग पे रही है इंडिया कौन सी कंट्री में फर्स्ट कंट्री कौन सी रही है उसके कितने मेडल रहे हैं ये सब चीजें याद करिए आसपास की अब जैसे बाकी तो ठीक है आप हॉकी टीम को एक बार देख लीजिएगा कि क्या हॉकी टीम में से कोई यूपी का प्लेयर था अगर होगा देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस चीज़ को याद रखिए एटलीस्ट उस पर्सन का नाम याद रखिए बिकॉज हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले बहुत डीप जाना होगा तो क्या करेगा वो उसी क्वेश्चन को यूपी के में सराउंड कर देगा कि आप यूपी के हिसाब से बताइए कि क्या है तो आप उस तरीके से चलिए ठीक है सिमिलरली जब अवार्ड्स भी आते हैं तो ऐसे नहीं कि सारे अवार्ड्स या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अवार्ड दिया तो हमें सारे याद करने नहीं भारत रत्न हो गया पद्मश्री पद्म विभूषण पद्म इनमें भी यूपी वाले ज़्यादा बाकी के सिर्फ नंबर्स याद रखिए कि पद्म विभूषण कितने फाइव को मिला है या फिर पद्मश्री किस मिला है एंड यूपी से जिनको मिला है उनके नाम एंड को किस जगह को बिलोंग करते हैं यूपी में आप इतना याद रखिए सिमिलरली सरस्वती सम्मान हो गया या फिर इंटरनेशनल में देखें तो बुकरस प्राइस इंटरनेशनल बुकर प्राइस नोवेल प्राइस ठीक है ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए ठीक है